आप सभी को प्रणाम। आज हम शिव संहिता का दूसरा अध्याय से शुरुआत करेंगे, दूसरे क्लास की गायत्री महामंत्र के साथ। एक बार सभी कमर गर्दन सीधे, आंखें बंद, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आज जो हम शिव संहिता का अध्ययन करने जा रहे हैं वो आत्मसात कर सके। इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः श्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे हम, जिसमें कुल 57 श्लोक हैं, जिसमें इस चैप्टर को दूसरा नाम बताया गया तत्व ज्ञान उपदेश। तत्व ज्ञान का उपदेश जो चैप्टर देता है वो इस अध्याय में वर्णित है। इस पटल की जो इस चैप्टर की विषय वस्तु का प्रारंभ मानव शरीर के प्रतिपादन से किया गया है, मीन्स इसमें मानव शरीर के बारे में बताया गया है। और बताया गया है कि जो मानवीय शरीर है, मानव का शरीर है, वो विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति है। मतलब जितना विशाल ब्रह्मांड है वैसा ही विशाल हमारा शरीर है, वैसा ही हमारा शरीर है जिसमें सारी चीजें समाहित है। जो यह शरीर है उसमें 7 दीपों से युक्त मेरु पर्वत है, मीन्स मेरु दंड है जो 7 दीपों से घिरा हुआ है। मेरु दंड को सुमेरु भी कहा गया है। उसमें नदियां, इस शरीर के मेरु दंड के शिखर पर 16 कला से युक्त चंद्रमा विराजमान है। मीन्स जो चंद्रमा है हमारे मेरुदंड के शिखर पर है, जिससे कि अमृत के रूप में एक रस स्रावित होता है। और कितने कला से युक्त है, तो 16 कला से युक्त है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। चंद्रमा स्रावित होता है वो कितने भागों में होता है, 2 भागों में। शरीर के पोषण हेतु, अब ये जो 2 भाग है इसको ईड़ा और सुषुम्ना, पिंगला की यहाँ पे चर्चा नहीं है, मीन्स ईड़ा और सुषुम्ना मार्ग से अमृत का श्राप होता है। जब ईड़ा मार्ग से सुषुम्ना का श्राप हुआ तो शरीर का पोषण हुआ, और जब सुषुम्ना मार्ग से अमृत का श्राप हुआ तो सृजन हुआ। सृजन के लिए सुषुम्ना मार्ग का प्रयोग, और ईड़ा के लिए शरीर के पोषण हेतु अमृत का श्राव होता है। मेरुदंड के मूल में 12 कलाओं से युक्त रहता है, क्या? पिंगला नाड़ी, मीन्स ईड़ा नाड़ी है वो कितने कला से युक्त है, 16, और जो पिंगला है वो 12 कला से युक्त है, जो कि दक्षिण मार्ग से प्रवाहित होता है। जो क्या करता है, चंद्रमा से निश्चित अमृत को, जो अमृत निकलता है चंद्र मार्ग से ईड़ा से, उसको ग्रस लेता है, खा लेता है, उससे निकलने वाले धातुओं को भी खा लेता है। इस प्रकार क्या हुआ, चंद्रमा सृष्टि करता और सूर्य संहार करता हुआ। सूर्य संहार करता है, विनाश करता है, और जो चंद्रमा है वो सृष्टि करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नाड़ी तंत्र। नाड़ी तंत्र में क्या होता है, इसी मेरुदंड में संबंधित नाड़ियों का वर्णन किया गया है। मीन्स जो मेरुदंड है उसमें सबसे पहले ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की चर्चा आई। उसमें यहाँ पे शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों की चर्चा आई है, जिसको 2 भागों में बांटा है, भोग बह और वायु संचार दक्ष का। सिर्फ नाम दिया है क्योंकि पूरे का नाम लिखना पॉसिबल नहीं था। 3.5 लाख नाड़ी को उसको 2 भागों में बांटा, भोग बह और वायु संचार दक्षिका। मानव शरीर में कितनी नाड़ियां हैं, 3.5 लाख, जिसमें 14 मुख्य है, और 14 में से भी 3 मुख्य है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तीनों में एकमात्र क्या है, सुषुम्ना। सुषुम्ना को सबसे मेन
बोला गया है। सुषुम्ना नाड़ी जो है जो नाड़ियां हैं वो 14 प्रकार की है। सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीविका, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखिनी, पयस्विनी, वारुणी, अलंबुषा, विश्वोदरी और यशस्विनी। जो अब सुषुम्ना का स्थान बताया है ईड़ा और पिंगला के मध्य में। ईड़ा बाईं नासिका और जो पिंगला है वो दाई नासिका है। अब ईड़ा क्या है? चंद्र नाड़ी का प्रतीक है और पिंगला सूर्य नाड़ी का प्रतीक है। ईड़ा शीतलता प्रदान करता है और जो पिंगला है वो गर्मी प्रदान करता है। और यहाँ पे क्या बताया था? जो चंद्र नाड़ी है वो क्या करता है? सृष्टि करता है और जो सूर्य नाड़ी है वो संहार करता है। ये आप याद रखना। अब अन्य नाड़ियों का जो बाकी नाड़ी यहाँ पे दिया है ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, उसके अलावा जो नाड़ी है उनके स्थान बताए गए हैं और सबका अलग अलग जगह पे स्थान है और इस एक जगह पे इंक्लूड करके लिखा गया है कि जो इनका स्थान है वो जीवा मतलब जीव, लिंग, नेत्र, दोनों पैर का अंगूठा, हाथ का अंगूठा, कान, काक, गुदा और पेट, इन नाड़ियों में इन सब नाड़ियों का स्थान होता है। नेक्स्ट है सुषुम्ना को बोला गया है ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना में सुषुम्ना नाड़ी को साक्षात योग बल्वा कहा गया है। मतलब जो योग को जीतने वाला है जिसके सहारे हम योग में सिद्धित हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जो एक मिनट, सुषुम्ना नाड़ी योग और मोक्ष साधना में अत्यंत लाभकारी है, इसीलिए इसे ब्रह्म नाड़ी भी कहा जाता है। जो सुषुम्ना है वो योग और मोक्ष की ओर ले जाता है, इसीलिए इसे ब्रह्म नाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है सुषुम्ना के मध्य में चित्रा नाड़ी है जो शिव जी को बहुत प्रिय है। ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग ध्यान रखना कि सुषुम्ना के मध्य में कौन सी नाड़ी है, तो चित्रा नाड़ी, और शिव जी को सबसे प्रिय नाड़ी कौन सी है, तो चित्रा। चित्रा नाड़ी पवना के मध्य मार्ग में विचरण करने वाली है। इसके ध्यान से क्या होता है? महापाप नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है मूलाधार। मूलाधार गुदा स्थान से 2 अंगुल ऊपर तथा लिंग से 2 अंगुल नीचे, 4 अंगुल विस्तार वाला आधार कमल है। मूलाधार है जो क्या है? 4 अंगुल विस्तार वाला है। इसी में विद्युत लता के समान परम देवता रूप कुंडलिनी विद्यमान है। विद्युत के समान जो बहुत ही शक्तिशाली तेज से युक्त कुंडलिनी है वो कहाँ है? मूलाधार में विद्यमान है, जो कि 3.5 आवृत्ति टेढ़ी सुषुम्नावार में अवस्थित है। जब आप लोग फिगर देखते होंगे चक्रों का, तो वहां पे आपने देखा होगा कि टेढ़ी मेढ़ी एक रेखा गई है जो कि 3.5 फेरा लगाई हुई है, उसी में विद्युत के समान कुंडलिनी स्थित है। जो सुषुम्ना नाड़ी है ईड़ा और पिंगला के मध्य में है, उसके मध्य में 6 स्थानों में 6 शक्ति है और 6 पद्य है। मतलब उसके मध्य में कितने स्थान है? 6 स्थान में 6 पद्य और 6 शक्ति है। यहाँ पे पद्य को चक्र भी बोल सकते हैं। अब ये जो चक्र है पद्य है वो कौन कौन से? आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। आधार को मूलाधार भी बोलते हैं, मूलाधार को यहाँ पे आधार बोला गया। अब शक्ति कौन सी है? आधार में डाकनी, स्वाधिष्ठान हाकनी, मणिपुर काकनी, अनाहत लाकनी, विशुद्धि राकनी और आज्ञा साकनी। ये नाम पूछता है कभी कभी कि कौन से चक्र में कौन सी शक्ति होती है। नेक्स्ट है
वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर अग्नि को हम सिंपल सिंपल भाषा में समझे तो जठराग्नि, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि शिव संहिता में जठराग्नि को किस नाम से बोला गया है, तो क्या है? वैश्वानर अग्नि। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो बस्ती प्रदेश में, मतलब गुदा प्रदेश में, मेरु मूल में जो 12 कलाओं से युक्त वैश्वानर नामक अग्नि है, कितनी कला से युक्त है? 12 कला से। अन्न पाचक अग्नि विद्यमान है, मतलब अन्न को पचाने वाला जो अग्नि है वो कौन सी अग्नि है? वैश्वानर अग्नि है। और वो काम काम क्या करता है? तो विभिन्न प्रकार के जो भोजन हम करते हैं उसको पचाने का काम करता है। फल क्या है इसका? रोगों की उत्पत्ति को नष्ट करने वाली है। रोग में की जो उत्पत्ति हमारे शरीर में होती है उसको नाश करता है। आयु प्रदायक, आयु देने वाला है। बल पुष्टि कारक, हमारे शरीर को बल देता है, बल प्रदान करता है। शारीरिक सुंदरता दे, नेक्स्ट है दृश्यमान जगत की उत्पत्ति और प्राणियों द्वारा फल का भोग कर्म अनुसार ही होता है। मीन्स अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म मिलता है। यहाँ पाप और पुण्य की चर्चा है। पुण्य कर्म किया तो पुण्य, पाप कर्म किया तो पाप फल मिलता है। जगत का भ्रम सामान्य दृष्टि, सामान्य दृष्टि मीन्स भेद दृष्टि के कारण होता है, और विशेष दृष्टि अभेद दृष्टि ज्ञान का कारण है। मतलब जगत का जो भ्रम है, यदि हम लोग योगियों वाले दृष्टि से देखें तो हमें लगता है कि संसार क्या है? मिथ्या है, माया है। कल हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति होकर देखते हैं तो क्या लगता है कि जो है बस यही संसार ही है, यहाँ की सुख सुविधा जो है वही सब कुछ है। संसार सागर पार करने की इच्छा वाले योगी को फलाशक्ति को छोड़कर वर्णाश्रम कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिनकी इच्छा है कि इस संसार सागर को पार कर जाऊं तो वैसे योगी को फल में आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। और जो कर्तव्य वर्ण और आश्रम के अनुसार बताए गए हैं उसका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा अध्याय जिसमें 118 श्लोक की चर्चा है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। इसमें क्या है? योग अनुष्ठान और योग अभ्यास का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो मानव के हृदय में 12 दलों वाला सुंदर कमल है, जो क से लेकर ठ पर्यंत द्वादश अक्षरों से विभूषित है। मीन्स मानव का जो हृदय है, मनुष्यों का हृदय है, वो 12 दलों वाला है। सुंदर कमल वहां पे है, हृदय में सुंदर कमल है जो 12 दल का है। और उसमें अक्षर क्या है? बीजाक्षर क्या दिया है? क से ठ तक 12 अक्षर से विभाजित विभूषित है। और जो हमारा प्राण है उसी हृदय में, उसी हृदय कमल में निवास करता है। अब प्राण के बारे में पढ़ेंगे, ये तो आप लोग हर जगह पढ़ते आ रहे हैं। तो कार्य वृत्तियों के आधार पर प्राण के अनेक नाम हैं, और इसको 2 भागों में बांटा गया है, प्राण और उपप्राण। प्राण प्राण अपान समान उदान व्यान। प्राण का स्थान हृदय, अपान का गुदा, समान का नाभि, उदान कंठ, और व्यान का समस्त शरीर में। उपप्राण उपरण नाक, कूर्म क्रिकल, देवदत्त धनंजय। कार्य डकार, पलक झपकना, भूख प्यास, जम्हाई और पिचकी। इन 10 प्राणों में पहले 5 मुख्य हैं। यहाँ पे विभाजित किया गया है कि पहले 5, मतलब जो प्राण की संख्या है मुख्य है, और उस 5 में भी प्राण और अपान को मुख्य बताया गया है। अब यहाँ पे गुरु की महत्ता बताई गई है। अभी क्या है, अभी का टाइम जो है, आप लोग इससे कोरोना में देखे होंगे, इस सिचुएशन में हर कोई क्लासेज ले रहा है, या फिर ऐसे भी नहीं तो नॉर्मल हम लोग पहले भी देखते थे कि कोई 1 महीना 2 महीना 6 महीना योग सीख लिया और लोगों को सिखाने लगा और वो गुरु बन गया। लेकिन हमें ऐसे गुरु के सानिध्य में नहीं, और साथ ही साथ जो गुरु है यदि हम उन्हें गुरु मानते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो गुरु मुख से सुनी हुई विद्या है वो प्रभावशाली होती है, वीर्यवती होती है। मतलब जो वो बताते हैं गुरु, उनके द्वारा जो बताई गई विद्या है वो प्रभाव छोड़ती है हमारे ऊपर। जो
बिना गुरु मुख के, मतलब बिना गुरु के सुने समझे यदि हम कोई चीज सीखने का, पढ़ने का, ज्ञान अर्जन करने का काम करे तो वो फल होता है, निविर्य होता है और अति दुख देने वाली होती है। गुरु को पूर्ण प्रसन्न करके विद्याभ्यास करने पर वह विद्या शीघ्र फलदायिनी होती है। मतलब यदि हम पढ़ तो रहे हैं अच्छे से, बहुत अच्छा नॉलेज है हमें, लेकिन हमसे गुरु नाराज है, प्रसन्न नहीं है, तो फिर वो फलदायिनी नहीं होगी। इसीलिए विद्या अर्जन करने से पहले गुरु को पूर्ण प्रसन्न रखना चाहिए, तब वो विद्या बहुत जल्दी अपना फल देती है। नेक्स्ट है, गुरु पिता माता और ईश्वर हैं। मतलब गुरु की तुलना यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये माता पिता और ईश्वर हैं, उनका कर्म मन और वाणी से सेवा करना चाहिए, मीन्स हर तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए। अब गुरु को नमस्कार करने की यहाँ पे प्रक्रिया बताई गई है कि गुरु के चरणों को दाहिने हाथ से स्पर्श करके 3 बार परिक्रमा करके साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। नेक्स्ट है, सिद्धि के लक्षण। जब सिद्धि होगी तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? फल प्राप्ति, मतलब फल प्राप्ति होगी ऐसा विश्वास रखना है, अपने आप में सोचना है कि जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि अभी आप लोग नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो सबको मन में एक पॉजिटिव थॉट रखना है, हर हाल में मुझे सफलता मिलेगी। श्रद्धा युक्त होना, इसके प्रति श्रद्धा दिखाना, पढ़ाई के लिए या फिर जो भी आपका कर्म है उसमें श्रद्धा दिखाना, श्रद्धा के साथ अपने कर्म को करना। गुरु का पूजन करना, जो गुरु है जो वो बता रहे हैं जैसा बता रहे हैं उनकी बातों को मानना ही उनका पूजन करना। क्षमता भाव, सभी को बराबरी की दृष्टि से देखना। इंद्रिय निग्रह मीन्स ज्ञान इंद्रियों को उसके विषयों से हटाना। संयमित आहार, मिताहार, मतलब आहार ज्यादा नहीं खाना, संयमी जितना योगियों के लिए, जितना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बताया गया है, पेट से कम वैसा भोजन लेना। नेक्स्ट है कुंभक, कुंभक की विशेषताएं। अब इसके लिए कैसा होना चाहिए, पहले स्थान देख लेते हैं। तो सुंदर और स्वच्छ कुटी, हाथ जोड़कर गुरु गणेश अंबिका को, जितने भी यहाँ पे देवता बताए गए हैं, मेन थे गुरु, गुरु मीन्स हमारे जो गुरु हो गए गणेश, और पुनः गुरु और फिर अंबिका, यहाँ पे 4 देवता की चर्चा है, एक छूट गया है शायद, आप लोग नोट कर लेना। गुरु गणेश, गुरु और अंबिका आदि को पहले दाएं और फिर बाएं क्रमशः प्रणाम करना है, झुककर पद्मासन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसकी प्रक्रिया क्या है, एड़ा से पूरक कुंभक, फिर दाहिने से रेचक, और फिर दाहिने से पूरक कुंभक और एड़ा से रेचन, ये प्रक्रिया है। और कितनी बार करना है, 20 बार, और समय क्या होगा, 4 बार, मतलब एक दिन में 4 बार 80 बार। ये नीचे देखिए आप लोग, कुंभक का समय है दिन में 4 बार, प्रातः मध्यान सायं और अर्धरात्रि, और प्रत्येक समय में 20-20 बार करते हुए धीरे धीरे कुंभकों की संख्या को 80 तक ले जाना है। कुंभक की स्थिति क्या होगी, प्रथम पे यहाँ पे क्या बोला है, कनियस, जो अधम हम लोग अभी तक जानते आए थे, यहाँ पे कनियस बोल है, उसमें क्या होगा, पसीना निकलेगा। जो द्वितीय है मध्यम, उसमें कंपन होगा, और जो तृतीय है उत्तम, उसमें आकाश में विचरण करेंगे लोग। इस प्रकार अभ्यास करने से 3 माह से कुछ अधिक समय में भी सभी नाड़ी निर्मल हो जाता है। यदि इस प्रकार अभ्यास किया जाए तो जो हमारी नाड़ी शुद्धि है वो 3 माह से कुछ अधिक समय में निर्मल हो जाती है। जिस व्यक्ति की नाड़ी शुद्धि हो जाती है उसके शरीर के सभी दोष नष्ट होने पर वह उसकी आरंभावस्था संभव हो पाती है। नाड़ी शुद्धि का लक्षण क्या है, शरीर संतुलित, सुगंधित, सुकांति और स्वर साधक, मतलब उनका बॉडी बैलेंस हो जाएगा, उसके उनके बॉडी से अलग ही सुगंध निकलेगा, कांति आएगी, चमक आएगी और स्वर साधक हो जाते हैं, वो अपने स्वरों को अपने अकॉर्डिंग साधने लगते हैं। अब जो आरंभावस्था है, 4 अवस्था बताई गई है यहाँ पे, हम लोग आगे पढ़ रहे हैं।
की पथ्य और अपथ्य इत्यादि का विवरण तथा योग की चार अवस्था। आरंभावस्था अभी हमने पढ़ा, उसके अंदर बताया गया है अपथ्य और पथ्य। अपथ्य क्या है? खट्टा, मतलब क्या नहीं लेना चाहिए, खट्टा, रुक्ष, तीक्ष्ण, लवण, सरसों से बने पदार्थ और कटु, ये भोजन नहीं लेने चाहिए, और खाद्य से त्याज वस्तु। इसके अलावा क्या है? अधिक घूमना, प्रातः स्नान, तेल, अस्ते मतलब चोरी करने की वृत्ति, हिंसा, द्वेष, अहंकार, उपवास, राग करना, स्त्री संग, अग्नि का सेवन, अधिक वार्तालाप, अधिक भोजन करना इत्यादि को अपथ्य बताया गया है, ये छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है पथ्य, घी, दूध, मिष्ठान, चूना रहित पान मींस तांबुल, स्निग्ध चिकना पदार्थ। करने योग्य क्रियाएं क्या बताई गई है? स्वाध्याय करे, शास्त्रों का श्रवण करे, वैराग्य पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रहना, विष्णु के नाम का संकीर्तन करना मतलब विष्णु के नाम को जपना, नाद का श्रवण करना, धैर्य तप गुरु के आज्ञा का पालन, पवित्रता लज्जा इत्यादि का पालन करना। जब वायु सूर्य नाड़ी में प्रविष्ट हो तब भोजन करना चाहिए। शिव संहिता के अकॉर्डिंग कब भोजन करना चाहिए? तो जब वायु हमारा सूर्य नाड़ी में चल रहा हो तब। जब वायु चंद्र नाड़ी में हो तो सोना चाहिए। योगाभ्यास के प्रारंभ में यहाँ पे स्पेशली बताया गया है कि दूध और घी का सेवन करना चाहिए, और योगाभ्यासी को थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार भोजन करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करते हुए 3 घड़ी तक मीन्स 72 मिनट तक कुंभक सिद्ध होने पर निम्न सिद्धियां प्राप्त होती है। वो सिद्धियां क्या क्या है? वाक सिद्धि मतलब बोलने में सिद्धि आ जाता है, यथेच्छ विचरण मीन्स इच्छा अनुसार हम आचरण कर सकते हैं, दूर की दृष्टि मिल जाती है, दूर भी हम अपने जहाँ है उससे दूर भी देख सकते हैं, अदृश्यकरण मीन्स गायब होने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, दूर श्रवण दूर का सुन भी सकते हैं, छोटी से छोटी चीज हमें दिखाई दे सकती है, आकाश गमन करने की भी शक्ति मिल जाती है, पर काया प्रवेश हम दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं, जा सकते हैं, विष्ठा मूत्र लेपन में स्वर्ण। थोड़ा अजीब गरीब इसमें दिया है कि सिद्धियां प्राप्त होती है, पर जो ऐसे सिद्ध योगी होते हैं वो पुराने जमाने में ये चीजें किए भी हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि आकाश गमन कर सकते हैं, जो हम अपने आप को गायब कर सकते हैं, दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं, जो विष्ठा मूत्र लेपन में भी स्वर्ण मतलब जो योग सिद्ध पुरुष होता है उसे मल मूत्र में भी सुगंध और स्वर्ण जैसी चमक दिखाई देती है। साथ ही प्राणायाम के द्वारा 8 सिद्धियों की भी प्राप्ति की जा सकती है, अष्टसिद्धि अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य इशिता और वशिता, इन सिद्धियों को भी प्राप्त किया जा सकता है। अष्ट सिद्धि प्राप्ति से योगी, कोई कुछ बोलना चाह रहे क्या? किसी को कुछ बोलना है? कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। ओके, जो अष्ट सिद्धि है उसकी प्राप्ति से योगी पाप पुण्य रूप समुद्र को पार कर त्रिलोकों में भी विचरण करता है। नेक्स्ट है घटावस्था, इसमें क्या होता है? प्राण अपान नाद बिंदु जीवात्मा परमात्मा की एक अवस्था को क्या कहते हैं? घटावस्था। जब हमारा प्राण और अपान एक हो जाता है, नाद और बिंदु मिल जाते हैं, जीवात्मा परमात्मा की अवस्था एक हो जाती है, तब उसको घटावस्था कहते हैं। प्रत्याहार, घटावस्था के अंदर क्या हमें सिद्ध करना है? प्रत्याहार। प्रत्याहार में 1 प्रहर तक मतलब 3 घंटे तक वायु को धारण करने की क्षमता होने पर प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है। कुंभक पूर्ण होने का समय क्या है? 3 घंटा। ये पूछ सकता है कि शिव संहिता में कुंभक पूर्ण होने का समय क्या बताया गया है? 1 प्रहर। घंटे में नहीं पूछेगा, प्रहर में 1 प्रहर। प्रहर को कभी कभी पहर लिखता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना।
इसमें यदि घटावस्था सिद्ध हो गया तो फल की प्राप्ति क्या होगी कि संसार में है जो ऐसे योगी होते हैं सब सिद्ध कर लेते हैं। नेक्स्ट है परिचयावस्था। इस अवस्था की प्राप्ति तब होती है जब प्राणायाम के अभ्यास से प्राण वायु ईड़ा और पिंगला को त्याग कर सुषुम्ना में स्थिर हो जाती है। कब हम साधक परिचयावस्था की स्थिति प्राप्त करेगा? जब उनका जो प्राण वायु है वो ईड़ा और पिंगला को त्याग देता है और सुषुम्ना में जाकर स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट है फल इसका। तीनों कर्म बंध प्रारब्ध संचित क्रियामान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जितने कर्म बताए गए हैं ना, प्रारब्ध संचित क्रियामान, सब की सबका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके अंदर पांच प्रकार की धारणा बताई गई है और इसमें स्थान कौन सा बताया गया है, कहाँ कहाँ पे धारणा करना है? स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। और कितने घड़ी तक? पांच घड़ी तक। इन पे धारणा करने पर पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निष्पत्ति अवस्था। पंच धारणाओं का अभ्यास करने से इस अवस्था की प्राप्ति होती है। जब पांचों धारणाओं का अभ्यास कर लेंगे तब जाकर निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। जब निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है तो अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जीवन मुक्त हो जाता है, शांत और धीर बन जाता है साधक और दीर्घ जीवन हो जाता है। अब दीर्घ जीवन ऐसा नहीं, कल 100 वर्ष तक की चर्चा आई थी, यहाँ पे लिखा है कि हनुमान और सॉरी दीर्घ जीवन जो है वो हनुमान जैसे आयु की चर्चा की गई है, ऐसा जीवन प्राप्त कर लेता है जब निष्पत्ति अवस्था सिद्ध कर लेता है तब। नेक्स्ट है प्राणायाम। कहाँ कहाँ पे अपने वायु को साधना है और क्या मिलता है? तो बता रहे हैं भगवान शिव, जीवा को तालु मूल में दृढ़ता से लगाकर प्राण वायु का पान करना, मतलब जीव को ऊपर ले जाकर तालु मूल में लगाना है और उसके बाद वायु को पीना है जिससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। होठों को कौए के चोंच के समान बनाकर शीतल वायु का पान करने से साधक मुक्ति का पात्र बन जाता है। नेक्स्ट है प्रतिदिन रस सहित वायु का पान करता है, उस योगी के श्रम दाह और जरावस्था नष्ट होते हैं। कहने का मतलब क्या है? रस सहित मतलब भावना करना है कि जो हम वायु का पान कर रहे हैं उसमें रस है, अमृत रस है, ऐसा भाव करते हुए पान करना है। और तो फिर योगी के जितने भी श्रम दाह किए हुए हैं, जरावस्था है, बुढ़ापे के चिन्ह आने लगे हैं, वो दूर हो जाता है, मतलब वह दीर्घायु बन जाता है। नेक्स्ट है जीवा को ऊपर की ओर करके चंद्रमा से स्त्रावित जल का पान करने से एक मास में मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। मीन्स अभी ऊपर में हमने पढ़ा कि चंद्रमा मतलब चंद्र नाड़ी से अमृत का स्राव होता है, वहां से अमृत बहता है। तो जब जीव ऊपर करके जो वहां चंद्र नाड़ी से स्रावित जल है, अमृत है, उसको पान करता है तो एक मास में ही, एक महीने में ही साधक मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है काकी मुद्रा द्वारा दोनों समय मतलब प्रातः और शाम कुंडलिनी मुख पर ध्यान करने से, मतलब जहां कुंडलिनी है उसके मुंह पे ध्यान करने से, मीन्स करने से और वहां पे वायु पान करना है। कहने का मतलब क्या है? काकी मुद्रा बनाना है, कुंडलिनी के मुख पर ध्यान करना है और उसी कंडीशन में वायु पान करना है जिससे 6 रोग दूर होते हैं। नेक्स्ट है दांतों को अच्छी प्रकार दबा कर, जैसे शीतकारी में दबाते हैं, कुंडलिनी देवी का ध्यान करना है। उसमें कुंडलिनी के मुख का ध्यान करना था, यहाँ पूरी कुंडलिनी का ध्यान करना है और इस कुंडलिनी देवी का ध्यान कर जो वायु पान करता है वह 6 मास में योगी बन जाता है, वह योगी 6 मास में कभी बन जाता है। दांतों में दांतों को लगड़कर मतलब आपस में घर्षण करते हुए जो धीरे धीरे वायु का पान करता है वह शीघ्र ही मृत्यु को जीत लेता है। अब कितने समय तक करना चाहिए?
क्या मिलता है? इन सभी प्राणायामों का 6 मास तक अभ्यास करने से सभी पाप और रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि 1 वर्ष तक इनका अभ्यास किया जाए तो निश्चित रूप से मृत्यु पर विजय प्राप्त होता है। 3 वर्ष तक करने से अनिमादि सिद्धि की प्राप्ति होती है और भूत गणों पर भी मीन्स पंच तत्वों पर भी विजय हो जाता है। नेक्स्ट है आसन। इसमें भगवान शंकर ने सिर्फ 84 आसनों के बारे में बताया है कि 84 आसन है जिसमें भी 4 मुख्य हैं। मैं 4 के बारे में तुम्हें बताऊंगा। मीन्स माता पार्वती को बोल रहे हैं कि मैं 4 ही बताऊंगा तुम्हें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है? सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिक आसन। यहाँ पे उग्रासन को पश्चिमोत्तान आसन बोल सकते हैं, विधि के अकॉर्डिंग जो विधि दिया है ना वो पश्चिमोत्तान आसन की विधि है। अब सिद्धासन में विशेषता क्या है इसकी कि दृष्टि कहाँ होना चाहिए? भूमध्य पे। फल क्या होता है? परम गति की प्राप्ति होती है, पाप से मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट है पद्मासन। विशेषता क्या होती है कि दृष्टि कहाँ होती है? नासिका की अग्रभाग पे और जालंधर बंध के साथ करते हैं। फल सभी रोग नष्ट और प्राण का संभाव हो जाता है। उग्रासन, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि दृष्टि कहाँ होगा, कोई बंध लगाना है, बस इसको पश्चिमोत्तान आसन की तरह करना है। फल क्या होगा? जठराग्नि प्रदीप, प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश, सभी सिद्धियों की प्राप्ति, दुख समूह का नाश होना। नेक्स्ट है स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन में क्या होता है? दुखों का विनाश हो जाता है। इसकी भी कोई विशेषता नहीं है, दुखों का विनाश हो जाता है, वायु सिद्धि होती है और कोई भी व्याधि नहीं आती है। यहाँ तक आपका तीसरा अध्याय।